पॉलिटिकल साइंस की क्लास में अब लालू यादव के चारा घोटाले का चैप्टर खोलते हैं। आज चारा घोटाले के पांचवें केस में लालू प्रसाद यादव पर फैसला आ गया। उन्हें डोरंडा केस में दोषी ठहराया गया है। 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी और कैसे लालू प्रसाद यादव जो बड़े नेता अर्श से फर्श पर आ गए उसे आपको तस्वीरों में देखना चाहिए। एक वक्त था जब लालू यादव पावर में थे, चेहरा चमकता था, पास से मिल लीजिए तो गाल लाल लाल दिखते थे जैसे टमाटर हो। आज वो जेल में है, चेहरा मुरझा गया है, तबीयत नासाज रह रही है, पकड़कर चलना पड़ता है। ये लालू यादव का ग्राफ नीचे गया है। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के जिस पांचवें केस में कोर्ट ने दोषी माना वो डोरंडा ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये 9 फरवरी की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं और ये लालू यादव की तस्वीर है। और मैं बिहार से हूं, मैंने लालू यादव को कवर किया है, वहां रिपोर्टिंग की है, उनको करीब से देखा है, उनका रौला देखा है। हमारे यहां बिहार में रौला कहते हैं, जलवा। लालू यादव जब चलते थे जो ऐसे बोलते थे वो जलवा होता था। और आज लालू यादव के जो ये गाल आपको दिख रहे हैं ये लाल गाल होते थे। उनका बयान जो है वो बहुत चर्चित हुआ था कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह बना दो। तो ये लालू यादव पुराने वाले, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी उम्र नहीं हुई है, उम्र तो हुई होगी भाई, उम्र तो कई नेताओं की हो रही है, लेकिन पावर, नेताओं के जो चेहरे पर लालिमा होती है ना वो पावर की होती है, वो उम्र से घटती बढ़ती नहीं। अभी पावर में देखिए दोबारा आ जाएं, केसेस हट जाएं, उसके बाद देखिए कैसे चमचमाएगा चेहरा। ये पुरानी तस्वीर दिखा। अब जरा आपको दिखाता हूं, बताता हूं कि आज जिस मामले में फैसला आया, डोरंडा ट्रेजरी चारा घोटाले के 53 केस में सबसे बड़ा केस है। डोरंडा ट्रेजरी से ही सबसे ज्यादा 139.5 करोड़ रुपए निकाले गए थे और इसी केस में सबसे ज्यादा 170 आरोपी भी बने थे। 2005 में डोरंडा केस में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, 170 आरोपियों में 55 आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई, इतना लंबा यह मामला चला। इस केस में 99 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल हुआ जिसमें 24 बरी भी हो गए। चारा घोटाले में इस केस में पहले लालू प्रसाद को जिन चार केस में दोषी करार दिया गया था वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले 2013 में लालू को चाईबासा ट्रेजरी केस में दोषी ठहराया गया था और 5 साल की सजा सुनाई गई थी। यह 37,70,00,000 रुपए की अवैध निकासी का मामला था और इसी केस में सजा के बाद लालू प्रसाद यादव की संसद सदस्यता चली गई थी और वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। लालू यादव को दूसरी बार 2017 में देवगढ़ ट्रेजरी केस में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने उन्हें 3.5 साल की सजा सुनाई थी। देवगढ़ ट्रेजरी के इस केस में 89,27,000 रुपए की अवैध निकासी हुई। फिर लालू प्रसाद यादव को तीसरी बार 2018 में चाईबासा ट्रेजरी के दूसरे केस में दोषी ठहराया गया और 5 साल की सजा सुनाई गई। चाईबासा ट्रेजरी के इस केस में 33,13,00,000 रुपए की अवैध निकासी हुई। लालू प्रसाद को चौथी बार 2018 में ही दुमका ट्रेजरी केस में दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने 2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई और 60,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दुमका ट्रेजरी के इस केस में 3,76,00,000 रुपए की अवैध निकासी का मामला था। चारा घोटाले को आसान तरीके से समझें तो यह बिहार के सरकारी खजाने से अवैध तरीके से पैसा निकालने का मामला है। वहां के पशुपालन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने राजनीतिक मिलीभगत से सरकारी खजाने से करोड़ों की रकम निकाली। सबसे पहले 1994 में बिहार पुलिस ने राज्य के कई कोषागारों में फर्जी बिल के जरिए करोड़ों की अवैध निकासी के केस दर्ज किए। सरकारी कोषागारों और पशुपालन विभाग के कर्मचारी भी गिरफ्तार किए गए, ठेकेदारों और सप्लायर्स को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन राजनीतिक हंगामे के बीच इस केस की जांच सीबीआई से कराई गई। सीबीआई ने जब केस की जांच शुरू की तो यह बताया कि यह मामूली केस नहीं है, इसमें राजनीतिक पार्टी के लिंक है भाई। तब बिहार में लालू प्रसाद का राज हुआ करता था। सीबीआई ने बताया कि इस घोटाले में आरोपियों के कनेक्शन तत्कालीन सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं से हैं और इस बात के भी सबूत मिले कि चारा घोटाले में अवैध कमाई का हिस्सा नेताओं के पास भी गया। सीबीआई ने यह भी कहा था कि उसके पास सबूत है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को न सिर्फ कोषागारों से अवैध निकासी की जानकारी थी बल्कि कई बार वित्त मंत्रालय के इंचार्ज के तौर पर खुद इस अवैध निकासी की परमिशन दी थी।
धीरे धीरे जब यह मामला खुला और बड़ी जांच हुई तो पता चला कि सालों से घोटाला चल रहा था, और यह 1-2 करोड़ का नहीं 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला था, और वो घोटाला बढ़ते बढ़ते यहां पहुंचा कि आज लालू यादव को एक के बाद एक इन केसेस में दोषी ठहराया जा रहा है, सजाएं हो रही हैं, और लालू यादव जो बिहार की राजनीति में बिल्कुल चमक रहे थे, आज वो किस अंधकार में कहां हैं, देश की पॉलिटिक्स से दूर हैं, गायब हैं, उस चारा घोटाले की वजह से, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं बचा।